अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी सुबह के अभी हो रहे हैं, क्या टाइम हो रहा था सर जी? 7:45 हो रहे हैं। अयान को स्कूल छोड़ के आ गए हैं। मिनाहिल की तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे बुखार हो रहा है। 2 दिन हो गए वो स्कूल नहीं जा रही, अयान जा रहा है। हम जी करने लगे हैं नाश्ता, और ये फैसल जी केक लेके आए हैं। सैंडविच केक है ये, और मैं जी अपना नाश्ता करने लगी हूँ, फैसल भी कर रहे हैं। और ये जी हमारे चुनू मुनू सारे इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे। ये भी चले, हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद जी बाकी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। आज जी खाने में हम खा रहे हैं चने। फैसल सुबह टाइम जब अयान को स्कूल छोड़ने गए थे तो लेते आए थे, तो जल्दी से नाश्ता करते हैं, और उसके बाद जी मिनाहिल को पहले तो नहलाना है, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास लेके जाना है। वेस्टेड कपड़ों में ये 3 तोड़े और एक ये बैग निकाला है मैंने, और ये सारे अब देखते हैं किसको देते हैं। ये वो कपड़े हैं जो कि यानी कि सर्दियों और गर्मियों के बच्चों के छोटे हो गए हैं, लेकिन मैंने काफ़ी देर से नहीं निकाले थे, तो इस दफ़ा मैंने सारे निकाल दिए। कुछ इसमें मेरे भी हैं, तो ये सारे निकल गए हैं। और ये जी कपड़े जो कल रानी ने धोए थे ये वो हैं, ये मैं सारे नीचे लेके जाऊंगी और इन सबको तह लगाऊंगी। और उधर भी पड़े हुए हैं ये जी बास्केट में, वहाँ पे सारे इकट्ठे करती हूँ, फिर किसी को कहती हूँ कि वो नीचे लेके जाएं। ये जी थोड़े से कपड़े मैं ले जाती हूँ, बाकी किसी और से मंगवा लूँगी। अब जी मैं मिनाहिल को नहला रही हूँ। मिनाहिल बहुत ज़्यादा डरती है नहाने से, क्योंकि आइज में चले जाता है उसके शैम्पू। अभी के मैं किड्स जो बेबी शैम्पू होता है वही लेती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इरीटेट करता है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर कोई बच्चा ना इस तरीके से नहाए तो आप उसे इस तरीके से नहला सकते हैं। पहले लेटा के उसका सर वॉश कर लें, उसके बाद जी फुल बॉडी को वॉश कर लें। हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि मिनाहिल की तबीयत 2 दिन से ख़राब है। तो ये दोनों ने शावर ले लिया, दोनों ज़रा फ्रेश हो गए। अब हम जाएंगे, इसको मेडिसिन दिलवानी है। मोटरसाइकिल पे जाएंगे, मुरीब हमें साथ लेके जाएगा। और ये देख रहे हैं यान के काम। अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर। हमने जी मिनाहिल की दवाई ले ली है, अब हम जा रहे हैं वापस। और जी रास्ते से मैंने अरबियाँ भी ली हैं, और जी घर जाके फिर आपके साथ बाकी रूटीन शेयर करती हूँ। इसके बाद जी मैंने चले जाना है पॉलर। जी पॉलर के बाद जी हमारे घर आएंगे मेहमान, तो घर जाके आपसे बात करते हैं। हम आ गए हैं मिनाहिल की दवाई लेके, और रास्ते में जी हम गए थे 180 की सेल पे, वहाँ से हमने लिए अम्ब्रेला। बेसिकली मैंने लेने थे ब्रश बच्चों के, पर वो स्मॉल साइज़ के ब्रश मिले नहीं, तो फिर बच्चों ने ये एक एक अपने लिए अम्ब्रेला ले लिया। ये मिनाहिल का है और ये अयान का है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ये बाहर जाते हैं तो सर पे यानी कि छांव करने के लिए ज़रूरत थी, तो मैंने कहा चले ले लें, कोई मसला नहीं। मैं खाने लगी हूँ इवोन का कैप्सूल। अगर आपने जी अपने हेयर पे अप्लाई करना है तो आपने रेड वाला अप्लाई करना है, और अगर आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है तो आपने ग्रीन वाला अप्लाई करना है, और अगर आपने खाना है तो आपने ये रेड वाला खाना है, ठीक है? तो जी जल्दी से मैं ये इवोन का कैप्सूल खा लेती हूँ, और फिर जी रूम की सफाई करनी है। ये जी हमने इवोन का कैप्सूल खा लिया, अब जी रूम की सफाई करते हैं।
अटैची आ चुकी हैं और सारे कपड़े भी मैंने तय लगा लिए हैं, बस ये रखने वाले रह गए हैं। और उसके अलावा जी ये मुनीब की अलमारी भी खाली कर दी है, और ये जी साइड पे जो कपड़े पड़े हैं ये छोटे वाले कपड़े हैं, वेस्टेड कपड़े हैं, ये भी निकाल दिए। अब जल्दी से ये सारा समेट लेती हूँ, और बच्चों के यूनिफॉर्म भी धोने वाली है, ये धोनी है, और बस जल्दी से ये खलारा समेटती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सारे कपड़े सिमट चुके हैं और मुनीब का बैग मैंने सेट करके रख दिया। अभी ये वाले बैगों में मैंने कुछ नहीं डाला, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, सारा दिन आपको पता है कोई ना कोई काम रहता है, और इसी के साथ यानी कि ये घर की शिफ्टिंग का भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ कर रहे हैं। अब ये अयान के कपड़े प्रेस करने वाले रहते हैं, ये भी अभी थोड़ी देर तक प्रेस करके रखूँगी, और कल इंशाल्लाह जी ये सारे तकिए गद्दे और रज़ाइयाँ वगैरह ये कल यानी कि भराने के लिए और सिलाई करवाने के लिए ये रखने जानी है चक्की पे। तो बाकी सारी सफाई हो गई है। हमारे घर में आए थे मेहमान और उनका खाना हो चुका है, देन अब हम बर्तन लेके आ रहे हैं अंदर से। और जी ये भाभी ने बनाया था साथ चिकन, और आज हमने बनाया था अरबी गोश्त, और मैं लेके जा रही हूँ मेहमानों के लिए आइसक्रीम, और ये जी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। आई होप आपको आज मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे। इसी के साथ अब आप हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।